सो हेलो फ्रेंड, अभी अभी आए हुए हैं हम, डी मार्ट आए हुए हैं बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए। सो फ्रेंड, देख सकते हैं हम लोग अभी वी मार्ट आए हुए हैं और अभी हम लोग बच्चे के लिए कपड़े देख रहे हैं। अभी एक मंथ है, एक बाबू है, इनकी मेरे हबी के दोस्त के बेटे हुए हैं तो उनके लिए ले रहे हैं। अभी 1 मंथ हो रहे हैं तो देख सकते हैं वी मार्ट में ठंडा का कपड़ा आ चुके हैं। बहुत बड़ा हो गया। हेलो फ्रेंड, मैं सरस्वती कुमारी और सरस्वती कुमारी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है और आप हम लोगों के साथ ब्लॉग में एक तक बने। सो फाइनली फ्रेंड, हम लोग ले लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। सो फाइनली फ्रेंड लेके जा रहे हैं, हम लोग देख रहे थे क्योंकि छोटा साइज नहीं मिल रहे थे, 1 मंथ बाबू का है तो बड़ा बड़ा साइज थे तो इसलिए तो देखे देख लिए देखे मिल गए हम लोग को तो हम लोग। और ये देख सकते हैं मेरा बाबू कितने स्टाइल से निकल रही है गेट से, और मेरे अभी भी दे बिलिंग कटा के आ गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? मासी घर जा रहे। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग मैं दूसरे दिन शूट कर रही हूँ और ये दूसरे दिन शाम के समय का वक्त है और हम जा रहे हैं मौसी की सास के बेटी घर हम लोग। सो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे ननदोसू है, मेरी ननद भी आई हुई है। अचानक से मेरी ननद शाम को आई और प्लान बना, 5 बजे हम लोग निकल गए हैं अचानक से शाम के समय। सो फ्रेंड हम लोग के घर से वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग चाची में रुके हुए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी घर। तो अभी शाम का अभी 6:30 बज रहा है और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। अभी हम लोग यहाँ पे मिठाई लेने के लिए रुके हुए हैं। फ्रेंड मैं अगले दिन सुबह का वीडियो बना रही हूँ तो मैं दीदी घर आ चुकी हूँ। सुबह रात में, कल हम रात में आ चुके थे शाम को 6 बजे और अभी देख सकते हैं अभी वो लोग का हम गार्डन तरफ इधर घूम रहे हैं बाहरी तरफ। तो देख सकते हैं इधर नेचुरल है, इधर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, नेचुरल चीज़ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कभी अगर नेचुरल चीज़ नहीं देखते हैं ना और कभी कभार अगर देखते हैं कहीं पर तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग रहते हैं वहाँ पर तो नेचुरल चीज़ का कोई अता पता ही नहीं है, नेचुरल बहुत दूर में। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे अच्छे सब कोई देख सकते हैं। आलू है ये, इधर आलू रोपा गया है और इधर देख सकते हो फूलगोभी है। उसके बाद मैं आपको सारे चीज़ दिखा रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे से यहाँ फूलगोभी बन, फूलगोभी रोपा गया है। और इधर देख सकते उधर देखते साग कितने अच्छे अच्छे हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड ये लहसुन है, यहाँ लहसुन कितने अच्छे से बारीकी से रोपा गया है एक एक करके साफ सुथरा करके। और मैं आपको आगे भी दिखा रही हूँ और इधर देखिए टमाटर बैंगन भी है और इधर देख सकते हैं आलू है, पूरे वहाँ तक आलू रोपा गया है।
और एक फ्रेंड आगे भी है, मैं आगे उधर नहीं जा रही हूँ, देख सकते आप लोग के यहीं से मैं दिखा दे रही हूँ। टमाटर है और देखिए जिनके में घर आए हुए हैं, ये घर उनके हैं और इधर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छे हैं, उनको तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरी मौसी सास है ना, उनके बेटी के घर हैं, तो मेरे दीदी लगेंगे, बहुत दिन से बोल रहे थे आने के लिए, बहुत दिन से बोल रहे थे आने के लिए तो आ नहीं पाए थे। तो अचानक मेरी ननद कल आई शाम को 4 बजे और वो तो बोली कि चलो चलते हैं, दीदी बोल रही आने के लिए, तो अचानक से प्लान बना, अचानक 5 बजे रेडी हो गए हम लोग, निकल गए तो 6 बजे तक पहुंच गए। वहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर है हम लोग के घर से, 30-40 किलोमीटर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, आप लोग को ब्लॉग कैसी लगी? अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग मेरे वीडियो पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और मैं आप लोग के लिए न्यू ब्लॉग लेते आएंगे और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, तो आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही फ्रेंड प्यार देते रहिएगा और मेरा चैनल पर सपोर्ट कीजिएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा बाबू भी आ रही है, हमको देख ली है बाबू, तो धीरे धीरे करके आ रही है, तो आप लोग को दिखाते हैं बाबू को। आ जाओ बाबू, मेरा कुछ ला रही है हाथ में, धीरे धीरे आ रही है। बाबू क्या है हाथ में, आओ तब तक मैं देखिए इधर दिखाती हूँ। देखिए इधर सिम का, ये सिम का है हाँ। सो फ्रेंड देखिए बाबू मेरा क्या ला रही है, क्या लेगा यो चम्मच। सो फ्रेंड देखिए बाबू देखिए आ चुकी है, हाय करो हाय करो, बाबू आ रही है, बोलिए कि हम आ रहे आ रहे, ठीक आओ। हाँ हाँ बेटा, बोलिए ना, यहाँ मैमे है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बकरी है। देखिए बाबू कैसे कर रही है, देखिए 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 बकरी की। सुप्रीट देख सकते हैं बाबू कितनी ज्यादा खुश है बकरी देख के। ये घर में बकरी है तो देख के बाबू पूरा खुश हो जा रही है। हाय करो बकरी को, फ्रेंड्स को हाय बोलो, यूट्यूब फैमिली को बोलो, इधर 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 हम लोग का यूट्यूब फैमिली को हाय कर दो। हाय कर लो पहले, हाय कर लो, हाय कर लो, इधर इधर देख के हाय करो। क्या क्या है, क्या 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 है, बोलो बोलो क्या क्या है। फूल और क्या है। चलो उधर, चलो उधर कर रही है, आ जाओ। हम जा रहे हैं, मेरा सब्जी पूरा मिर्चा। अरे मिर्चा आगे में है बेटा, वहाँ मिर्चा है, चलो दिखाते हैं, चलो चलो चलो। सो फ्रेंड आप लोग को दिखाते हैं, इतनी छोटी सी पौधे में मिर्ची पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितने छोटे हैं, देखिए मिर्ची हो गया है, देखिए इतना छोटा सा पौधा में मिर्ची। सो फ्रेंड देख सकते हैं अभी हम लोग बाड़ी पे आके क्या कर रहे हैं दीदी घर में। सो दीदी दीदी घर में बहुत सारा साग देखे तो हम लोग तोड़ने लगे, देख सकते हैं अभी हम लोग तोड़ रहे हैं हम लोग घर। मेरे हाथ में कितने अच्छे खिले खिले लग रहे हैं, हम लोग लेके जाएंगे घर।
बिल तोड़ दे तो फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग ननद भौजाई में लिखे साग तोड़ रहे हैं अभी बहुत मजा आ रहा है साग तोड़ने में देखिए इधर से भेगनी भी आ चुकी है वो पेर अरे ये प्याज पत्ता बड़ा इसमें मत दो इसमें एक मर जाएगा गिलहरी साग तोड़ो सो फ्रेंड धूप भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं धूप में साग तोड़ते हुए धूप भी बहुत कड़क है और अभी ठंडा के मौसम में धूप तो जानती है कितने अच्छे लगते हैं सबको तो फाइनल फ्रेंड हम लोग साग तोड़ लिए हैं बाड़ी में अब हम लोग जा रहे हैं वो देख सकते हैं इधर दीदी भी तोड़ लिए सरसों का साग इधर इतने सारे और उधर देख सकते हैं सबके दिखा दिए हाँ और उसमें देख सकते हैं कितने साग है अब हम लोग जा रहे हैं देख सकते हैं कितना बड़ा बागान है चारों ओर से हरियाली है इधर आलू है बहुत सारे देखिए इधर कितना अच्छा बकरा है सो फाइनली फ्रेंड अब हम लोग घर जा रहे हैं दीदी घर से तो देख सकते हैं दीदी घर से घर जा रहे हैं अभी शाम का 3 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को जल्दी से मेरा वीडियो मिल जाए न्यू ब्लॉग के साथ तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड जय हिंद।